Everyone, in this video we will learn about endothermic, exothermic. Exo मतलब बाहर निकलना, thermic मतलब heat. जिस reaction में heat बाहर निकलेगा, heat release होगा, exothermic कहलाएगा. और जिस reaction में heat in होगा, endo मतलब in करना, thermic मतलब heat. जिसमें heat in करेगा, heat absorb होगा, उस reaction को endothermic reaction कहेंगे. आप लिख भी सकते हैं, मैंने definition लिख दिया है. सेकेंड डिफरेंस देखते हैं कि ड्यूरिंग कम्बिनेशन रिएक्शन, आप जानते हो ड्यूरिंग कम्बिनेशन रिएक्शन हीट निकलता था, हीट रिलीज होता था, तो इसलिए हम कम्बिनेशन रिएक्शंस आर कॉल एक्जोथर्मिक रिएक्शंस, या फिर एक्जोथर्मिक रिएक्शंस आर कॉल कम्बिनेशन रिएक्शन. जस्ट अपोजिट, डिकम्पोजिशन करने के लिए हीट एब्जॉर्ब करना, हीट देना पड़ता था, यानी डिकम्पोज करवाने के लिए आप हीट दे देते हैं, यानी हीट इन होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कॉल इंडोथर्मिक, या इसको अपोजिट बोल सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कॉल इंडोथर्मिक रिएक्शन, या फिर इंडोथर्मिक रिएक्शंस आर कॉल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्ड डिफरेंस देख लेते हैं. आप कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम में वाटर डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर बनता है, साथ में हीट रिलीज होता है. तो जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहलाएंगे, और जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगा तो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन यानी इसका एग्जांपल कहलाएगा. अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेस्पिरेशन पूछा जाता है कि रेस्पिरेशन रिएक्शन को क्यों एक्जोथर्मिक रिएक्शन के तरह ट्रीट किया जाता है. ये क्वेश्चन आ जाते हैं, क्यों हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन रेस्पिरेशन रिएक्शन को एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. तो आप इस रिएक्शन से समझा सकते हैं कि जब ग्लूकोज डाइजेस्ट होता है, यानी फूड जब डाइजेस्ट होता है, तो CO2 गैस और वाटर और प्लाज्मा एनर्जी भी रिलीज करता है. जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो एनर्जी निकलता है, तभी तो हमारे बॉडी को वो एनर्जी मिल पाता है. तो इसलिए रेस्पिरेशन रिएक्शन को हम एक्जोथर्मिक रिएक्शन के रूप में हम देख सकते हैं. और जस्ट अपोजिट फोटोथिंसेसिस इंडोथर्मिक में आएगा. क्यों? क्योंकि जब प्लांट में जब फूड बनता है, यानी ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, तो उस वक्त CO2 वो इन्वायरमेंट से लेता है, प्लांट और वाटर सॉइल से लेता है, और सन एनर्जी के फॉर्म में, यानी हीट सन के फॉर्म में वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. इसलिए हम जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो उसको इंडोथर्मिक रूप में देख सकते हैं. सो थैंक यू, आपको समझ में आया होगा.